ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा। बच्चों कैसे हो आप लोग? मैं अगेन लेकर आऊँगा वीडियो आप लोगों के लिए, और इस बार मैं बात करूँगा सर्कुलर लिंक्स की बात करूँगा, ठीक है। तो सर्कुलर लिंक्स के लिए हम व्हाइट बोर्ड पर चलते सीधा। मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यस नहीं, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, है ना। और लेट मी गैदर माई थिंग ऑल्सो। तो मैं आप बात कराऊंगा आपको सिंगल लिंक लिस्ट, डबली सर्कुलर लिस्ट एज सर्कुलर, मतलब सिंगल लिंक लिस्ट एज सर्कुलर कैसा रहेगा, और डबली लिंक लिस्ट जो है आपकी एज सर्कुलर कैसी रहेगी, वो भी मैं आपको बना के बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैं पहले यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं फुल स्क्रीन कर दूँ, है ना। तो फुल स्क्रीन रहेगा तो ये बेस्ट रहेगा, राइट। ओके देन, पेन ले लिया मैंने, ओके ठीक है। अब मैं एक बार बनाने का स्टार्ट करने का प्रयास करता हूँ। जैसे आपका कोई भी जैसे लिस्ट होती है, जैसे जैसे ये नोड है, राइट, ये नोड है, और एक ये नोड ये हो गया। अभी अकाउंट क्रिएट नहीं करना व्हाइट बोर्ड भाई, मैं ऐसे करूँगा अभी, ठीक है। कैसा दिख रहा है आप मुझे बताना एक बार, ठीक है। तो जैसे आपका इस नोड का एक हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, अब इसमें वैल्यू हमारे पास पड़ी, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मैं वैल्यू कलर मैं कर देता हूँ। इसमें वैल्यू सपोज कर यहाँ पड़ी है 13, ठीक है, यहाँ 13 वैल्यू पड़ी हुई है, यहाँ 14 पड़ी हुई है, और यहाँ 15 है, ठीक है। और अब इसमें यहाँ पर मैं दूसरे कलर से यहाँ पर मैं एक चीज़ बनाता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा बना दिया यहाँ पर, और इसको नामकरण में यहाँ ब्लैक से देने का प्रयास कर रहा हूँ, हेड, ठीक है, ये हेड हो गया मेरा। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये आपका इससे कनेक्टेड है। एक काम करता हूँ, दूसरे से बना के प्रयास करता हूँ मैं, किससे बना, किससे बना, किससे बना, ब्लू से बना। ओके देन, मैंने पर्पल ले लिया शायद, हाँ पर्पल ले लिया, पर्पल ले लिया। ओके, तो ये आपका हेड इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इसका नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और इसका नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है। अब क्या होगा, अब जो ये इसका जो नेक्स्ट होगा, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और पॉइंट बड़ा छोटा करने का तरीका है क्या, आई डोंट थिंक सो, चलो कोई नहीं, बड़ा ऐसे ही रहेगा। तो ये आपके क्या, ये नेक्स्ट है, इसका नेक्स्ट इधर, इसका नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है। अब इसका नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा, इसका नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा, तो वो हम देखने का प्रयास करते हैं। देखो अब ये पॉइंट करेगा मेरा किसको, वापस हेड को पॉइंट करेगा, ठीक है, वापस हेड को पॉइंट करेगा। ये हो गया मेरा, अगर मैं इसको अच्छे से यहां मेंशन करूं, यहां पर कोई टेक्स्ट ऐड करने का है, हाँ टेक्स्ट ऐड करने का है ऑप्शन, यहां पर मैं यहां टाइप कर देता हूं, इट्स अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट एज सर्कुलर, ठीक है। अब अगेन इसको मैं कलरिंग इसकी ब्लैक कर देता हूँ, चलो अब ऐसे रहेगा, ठीक है। अब जो टेक्स्ट आएगा, अब ये हो गया आपका सिंगल लिंक लिस्ट एज सर्कुलर। अब इसी तरीके से मैं दूसरे बनाने का प्रयास करता हूँ, यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पर ऑरेंज जो पहले था वैसे लेता हूँ एग्जैक्टली। अब मेरे पास यहाँ दो चीज़ें आ गई, अब इस तरीके से अब थोड़ी ब्रिक जो है मेरे नोड है तो वो मेरा बढ़ गया है, ठीक है। देखिए बना के प्रयास कर रहा हूँ, फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ सीधा, और कुछ नहीं कर रहा मैं, राइट, ये मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ पर लेट मी टेक ब्लैक कलर दिस, इनका नामकरण कर दें। तो अंदर अगेन वही वैल्यूज पड़ी हुई, कोई भी डेटा आइटम हो सकता है, सेम मैं डेटा आइटम रख रहा हूँ, देखिए 13, 14 और 15। अब इसमें फर्क क्या आ गया, अब आपके इसमें नेक्स्ट तो है ही, ये नेक्स्ट है, ठीक है, ये भी नेक्स्ट है, और ये भी नेक्स्ट है। अब इससे पहले अब आपके पास आ प्रीवियस, जो कि मैंने आपको बताया था डब्ल्यू लिंक लिस्ट, लास्ट वीडियो देख लेना, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में मैंने आपको बताया था प्रीवियस PREVIS, ठीक है, ये बताया था प्रीवियस एंड नेक्स्ट, ठीक है। अब कनेक्शंस करते हैं,
कनेक्शंस कैसे होंगे हमारे, कुछ इस प्रकार। तो नेक्स्ट हमेशा अगले नोड को पॉइंट कराएगा, नेक्स्ट ये इसका नेक्स्ट भी अगले को पॉइंट करेगा, ठीक है। अब प्रीवियस वाला भी करेगा, ठीक है, प्रीवियस वाला पिछले वाले को करेगा। उसके हम कलर अलग ले लेते हैं, उसके लिए मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ। तो इसका प्रीवियस इसको पॉइंट करेगा, इसका प्रीवियस इसको पॉइंट करेगा, ठीक है, इस तरीके से हो रहा है। तो नेक्स्ट आपका अगले उसको प्रीवियस पिछले वाले को करेगा, एज क्लियर, ठीक है। अब एक और चीज आ गई, अब इसका नेक्स्ट किधर जाएगा, अगेन इसका मैं हेड बनाने का प्रयास करता हूँ। तो ये मेरा अगेन डब्बा बन गया, डब्बे पे मैं कुछ लिखूंगा, ब्लैक से लिखूंगा हेड, हेड लिख दिया। और एक और डब्बा बनेगा हमारे पास, अब दूसरा डब्बा बनेगा, दूसरा डब्बा क्या कहलाएगा, टे हेड कह दो, हाँ लास्ट कह दो, हेड एंड लास्ट, टेल नहीं बोलेंगे भैया, पूंछ थोड़ी इसकी है ना, तो ये आ जाएगा लास्ट। आई होप आप लोगों को अच्छे से दिख रहा हो, है ना, ये हो गया लास्ट। लेकिन मैं भी चेक कर लेता हूँ कि अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लेट मी चेक इट माय ऑन दिस, हाँ सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ओके देन। बार बार मैं एक बार स्विच करके देखता रहता हूँ। तो ये आपका हो गया। अब हेड किसको पॉइंट कर रहा है, पॉइंटिंग के लिए अगेन मुझे चाहिए ये चाहिए, ठीक है। अब हेड पॉइंट करेगा अगेन इसको, ठीक है, लेकिन इसका प्रीवियस पॉइंट करेगा, इसका प्रीवियस लास्ट वाले को पॉइंट करेगा, जो पहले का जो प्रीवियस है। अब ये प्रीवियस किधर जाएगा, ये लास्ट को पॉइंट करेगा, ये रे, ये भी तो पॉइंट करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा, इसके बाद भी जो इसका नेक्स्ट होगा, सॉरी इसको मैं अगेन उसी से बनाता हूँ, सेम कलर का इस्तेमाल करता हूँ, इसका जो नेक्स्ट होगा ये भी लास्ट को पॉइंट करेगा, इस तरीके से होगा। और वो भी कैसे होगा, घुमा के होगा, इनफैक्ट ये घूम के आए, यस इस तरीके से घूम के आएंगे, और ये भी ऊपर वाला भी ऐसे घूम के आएगा। ऊपर वाले को भी मैं यहाँ मिटा के दे, ये मिटाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, ये मिटाना बड़ा एक टीडियस टास्क है, ठीक है। अगेन इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं, ओए होए होए बहुत लंबा चला गया, ओके यस, इस तरीके से होगा। तो अब ये क्या चीज़ होगी भाई, अब इसको भी अगेन मैं यहाँ ब्लैक कलर कर देता हूँ, और टेक्स्ट लिखने का प्रयास यहाँ पे करता हूँ, टेक्स्ट यहाँ नीचे लिख दूँ, हाँ यहाँ बीच में लिख देता हूँ। तो ये है क्या, व्हाट इज इट, इट इज डबली लिंक्ड लिस्ट एज सर्कुलर, सिंपल। तो ये डबली लिंक्ड लिस्ट एज सर्कुलर हो गई, और वो क्या हो गया आपका, सिंगल लिंक लिस्ट एज सर्कुलर, वो सिंगल लिंक लिस्ट है, सिंगल लिंक लिस्ट अगर सर्कुलर बनाई जाए तो कैसी लगे, डबल लिंक लिस्ट है एज सर्कुलर बनाया जाए तो कैसी लगे, ठीक है। तो ये आपका काम हो गया। अब सीधा हम चलते हैं इसके प्रोग्रामिंग पे चलते हैं। अब प्रोग्रामिंग अगेन सिंपल चीज़, वही stdio.h, string.h, सब चीज़ पे हम बात करेंगे। तो अगेन मैं इसको अभी फुल स्क्रीन से हटा देता हूँ, अब नेक्स्ट मैं इस पर करता हूँ, ओके यहाँ मैंने कर दिया। अब मैं आप लोगों को देखिए, मैं ये बना के भी रख रहा हूँ, मैं डेटा स्ट्रक्चर्स यूजिंग सी में बना के भी रख रहा हूँ आपके लिए, देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मैं बना के रख रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप जो भी आपको प्रोग्राम्स चाहिए, आप कह रहे हैं प्रोग्राम्स चाहिए होंगे, नोट्स चाहिए, तो ये रहा नोट्स ऑलरेडी मैंने मेरे ऐप के ऊपर है, प्रोग्राम्स की लिस्ट यहाँ से मिल जाएगी आपको। इसको मैं अभी आपके सामने लाइव लिंक बना के मैं दूंगा, बिटली का लिंक बना के दूंगा, ठीक है, ओके देन। तो ये हमारा कोड है, इसको भी मैं एक्सपेंड कर दूँ, इसको पूरा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, अब बेस्ट दिखेगा अच्छा से। अब इसके अंदर अगेन सबसे पहले वही चीज़ आएगी, स्ट्रक्ट नोड, अब एन स्मॉल रख रहा हूँ मैं यहाँ पर, अब एन स्मॉल रख रहा हूँ, ये अपने आप समझ जाएगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। और ये मैंने इस तरह से कर दिया, इसको मैंने यहाँ पर बंद कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या डेटा, अब डेटा 100 नहीं लेना चाह रहा मैं लेना चाह रहा हूँ सिंपल, यहाँ पर मैं करना चाह रहा हूँ इंट डेटा, और ऊपर भी मैं यहाँ एक काम कर देता हूँ, तो मैं हटाई देता हूँ, मैं अगेन लिखता हूँ, कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको हम एआई को हाईलाइट दे देते हैं हम क्या बनाना चाह रहे हैं, अगेन स्ट्रक्ट नोट एंड कैपिटल एन दो, फिर इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इंट डेटा, अब ये हमें इसने करने को कह रहा है, कैर डेटा मांग के रख रहा है, हमें कैर नहीं करना, हमें करना इंटीजर, इंट डेटा इसको मैं इधर रख लेते हैं, है ना,
इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इंट की डेटा। और की एलिमेंट क्यों ले रहा हूँ मैं, ताकि यार पता तो लगे, कोई तरीका तो हो जानने का कि भाई हम किस नोड पे हैं, तो उसकी गिनती के लिए हम की रख रहे हैं, ठीक है, गिनती है उसको ट्रैक करने के लिए। देन क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट, ठीक है, ये करना पड़ेगा। एक काम कर लेता हूँ मैं, नोड का अभी यहाँ पर एन में स्मॉल कर ही देता हूँ, ताकि आगे अगर मान लीजिए जो कोड मैंने लिखा हुआ है उसको मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट जब करूँगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा हो गया पहला स्ट्रक्ट नोड, मेरा तैयार हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसके दो चीज़ें करनी है। स्ट्रक्ट देखो, मैंने ऑलरेडी स्ट्रक्ट टाइप नेम इज नोड नहीं, वो नहीं करना भाई, मुझे सीधा करना है स्ट्रक्ट नोड, ठीक है, स्ट्रक्ट नोड। अब करना मुझे हेड इक्वल टू नल, ठीक है, सीधा काम कर देना है। अब इस तरीके से सिंबल क्या आएगा, करंट नोड भी आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। अब ये समझ गया मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अब हमारे पास अगेन वही सेम चीज, सेम फंडा, ठीक है, ओके, सेम फंडा आ गया हमारे पास। सर्कल लिस्ट के लिए करना है मुझे, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले आएगा अगेन बूल इज, बता बेटा, नहीं सर्कुलर नहीं करना मुझे, इज एम्प्टी पहले चेक करना है, एम्प्टी पहले तो ये चेक करना है, पहला काम ये करना। क्या करेंगे इसके अंदर, अगेन रिटर्न हेड इक्वल्स टू नल, काम खत्म। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इंट लेंथ, मैंने लेंथ दिया था, अब मैं लेंथ कर देता हूँ, ठीक है, अगेन इंट लेंथ इक्वल टू जीरो। और इसके बाद क्या करूँ मैं, स्ट्रक्ट नोड करंट निकलना कह रहा है, नो, पहले मुझे एक चीज चेक करनी है, क्या चेक करनी है भाई, मुझे ये चीज चेक करनी है यहाँ पर कि मेरा लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं, इफ द लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है, लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं है, तो अगेन इज एम्प्टी चेक नहीं करना मुझे, मुझे चेक करना है इफ करके देखना है, हेड इक्वल डबल इक्वल टू नल, ठीक है। और हम बता देगा आपके कोई एरर आ रही है कि नहीं आ रही है, वो सब अपने आप बता देगा, वो पहले चेक करेगा सीधा। तो इसको मैंने ऐसे करके रख दिया, और यहाँ पर मैंने कहा रिटर्न जीरो, अगर मेरा हेड ही मेरा नल है फिर भी चेक कर लिया, अगर अभी भी लिस्ट मेरी एम्प्टी है, अभी भी मेरा लिंक लिस्ट मेरी एम्प्टी है, तो भाई अभी भी बाहर आ जाओ, रिटर्न जीरो करके बाहर आ जाओ सीधा। तुम काहे घूम रहे हो भाई, तुम्हारा तो ये है ही है, कोई बात नहीं, शायद अभी इनकम्प्लीट है इसलिए कर रहा है। ओके डन, अब मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, अब मुझे लगाना है करंट, करंट इस समय करंट नोड किधर है, करंट मेरा भी किसको पॉइंट कर रहा है, जो हेड का नेक्स्ट है, करंट नोड वो है हेड का नेक्स्ट जो है। जब तक करंट नॉट इक्वल टू हेड हो जाए, जब तक करंट हेड के बराबर नहीं है, मतलब हेड नोड से आगे बढ़ चुका है, जब तक वो हेड नोड पे नहीं पहुंचता, तब तक क्या करो, तब तक आप क्या करना है आपको, आप लेंथ बढ़ाते जाओगे, लेंथ जो आपका है लेंथ प्लस प्लस करते जाओगे, ठीक है, ये फायदा है लेंथ प्लस प्लस, है ना। फिर करंट और करंट को आगे बढ़ाते जाओ आप, करंट इक्वल टू करंट नेक्स्ट, सिंपल आगे बढ़ाते जाओ इसको, ठीक है, ये काम सीधा कर देना है। और इसके बाद लास्ट में हमें करना है रिटर्न, शायद इसलिए दे रहा है क्योंकि रिटर्न करना है मुझे, क्योंकि इंट दिया मैंने, काम खत्म। अब मेरा ये वाला हो गया फंक्शन खत्म। अब अगेन सेम चीज, इंसर्ट लिंक कैट फर्स्ट लोकेशन, सेम चीज अपन करेंगे, इंसर्ट लिंक एट फर्स्ट लोकेशन। अच्छा, ये मैं सिंगल लिंक लिस्ट ही कर रहा हूँ, बट सर्कुलर बनाऊंगा इस चीज को, ठीक है। अगेन फर्स्ट की सेम चीज आ गया, फिर हमें क्रिएट फर्स्ट क्रिएट अ लिंक, अगेन वो लिंक हम क्रिएट करेंगे स्ट्रक्ट नोट लिंक, ठीक है, सेम चीज आएगी हमारे पास, एग्जैक्टली वही आ गया, है ना। अब थोड़ा अच्छे से और दिखेगा कोड, अच्छे से दिखेगा आप लोगों को, ये हो गया। फिर लिंक की लिंक डेटा इक्वल टू डेटा, सेम चीज सेम एग्जैक्टली सेम,
ठीक है, आपके ऑलमोस्ट प्रोग्राम्स आपके सारे सेम रहेंगे। अब राजस्थान रॉयल्स का कुछ आ जाता है मेरे पास, क्या आया भैया, आई इन्वाइटेड टू ब्रॉडकास्ट चैनल, नो आई डोंट नीड एनी ब्रॉडकास्ट चैनल समथिंग, कुछ ना कुछ आता रहता है। ओके फिर अगेन इज एम टी में चेक करूंगा, इज एम टी में चेक करूंगा हेड इक्वल्स टू लिंक, मेक इट द लास्ट लिंक कभी नहीं करना, पहले तो भाई हेड इक्वल्स टू लिंक पहले करना है, उसके बाद हेड का जो नेक्स्ट है उसको भी मुझे हेड पे लेकर आना है, अगर एम टी है तो कि हेड का जो नेक्स्ट होगा वो भी मेरा हेड पे ही जाएगा, ठीक है, अगर लिस्ट एम टी तो खुद ही घूमता रहेगा, वो आगे लिस्ट नहीं बनी है, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं, फिर साथ ही आ जाएगा एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो भाई पॉइंट इट टू ओल्ड फर्स्ट नोड, पुराना फर्स्ट नोड है उस तक पॉइंट कराइए, पॉइंट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिंक पॉइंट टू नेक्स्ट इक्वल्स हेड, सिंपल, और इसके बाद पॉइंट कराना है मुझे फर्स्ट, जो पहले जो है फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट टू न्यू फर्स्ट नोड, ठीक है, ये समझ गए मेरी बात, और सिंपल आता है हेड इक्वल्स टू लिस्ट, ये नहीं करना, हेड इक्वल्स टू लिंक कर देना है, और मेरा काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब बाकी का मैं यहाँ पर कोड में पूरा टाइप, अच्छा इसको तो बंद करना मुझे, यस इसको मैंने बंद किया ही नहीं, ओके डन, अब मुझे बाकी का जो करना है वो मैं डिलीट फर्स्ट आइटम वगैरह सब एट लास्ट लोकेशन नहीं करना मुझे, सीधा डिलीट फर्स्ट आइटम, डिस्प्ले द लिस्ट और सीधा मेन फंक्शन पे बढ़ जाऊंगा मैं, सिंपल है। अब एक बार देख लेंगे इसको, रद्द करके देख लेंगे, ये मैंने देखो ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दिया है, अब प्रिंट मैं पहले करता था, यहाँ मैंने प्रिंट लिस्ट मैंने बाद में कर दिया, डजंट मैटर। अब हम आते हैं अपने इंट मेन के ऊपर जो हमारा मेन फंडा है, तो अगेन यहाँ पर मैं ओरिजिनल लिस्ट यहाँ पर मैं दिखाने का प्रयास कराऊंगा कुछ इस तरीके से, राइट, इस तरीके से मेरे पास यहाँ लिस्ट आ जाएगी, इसको हमने इसको इधर इंडेंटेशन थोड़ा हमने ऐसे रख दिया, ओके, अब हमें यहाँ पर आएगा प्रिंट लिस्ट, लिस्ट को प्रिंट करना है तो कौन सा फंक्शन लगा रहा हमारा, प्रिंट लिस्ट नाम का फंक्शन कॉल हो गया। अब अगेन वाइल, जब तक लिस्ट एम्प्टी नहीं है तब तक कुछ करना है, क्या करना है अपन को, वाइल लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी बोल, तो क्या करना है हमें, हमें कराना है स्ट्रक्ट, अब यहाँ बनेगा स्ट्रक्ट नोड टेम्प, ठीक है, अब यहाँ पे हमारी बात बनेगी डिलीट फर्स्ट, डिलीट फर्स्ट वाले उसको हमें कर देना है, सेम चीज है एग्जैक्टली बच्चों, ज्यादा फर्क नहीं, बस लास्ट जो मेरे नोड है वो नल ना हो के वो मेरे हेड को पॉइंट करेगा और कुछ नहीं है, सिंपल है। तो डिलीटेड वैल्यू जो भी आएगी मेरी वो भी हम देखने का प्रयास करते हैं, अगेन वही डिलीटेड वैल्यू वही कॉम्बो में आएगा ब्रैकेट के अंदर, सेम चीज आएगी एग्जैक्टली, और ये मेरा यहाँ पे मेरा काम खत्म, इसके बाद मुझे बस प्रिंट करना है लास्ट जो लिस्ट आफ्टर डिलीटिंग ऑल आइटम्स, वो मेरा काम यहाँ फिनिश हो गया है, और इसको भी मैंने यहाँ पर एंड कर दिया है। अब ये मेरा हो गया प्रोग्राम तैयार, अब इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और आप लोग के सामने ही मैं इसको यहीं पर अपने इस पे डाल रहा हूँ यहाँ पर लास्ट में, ये एक प्रोग्राम मेरा सारा काम करेगा, सेम चीज रहेगी आपके डब्ल्यू लिंक लिस्ट में भी आएगा, उसका प्रोग्राम नहीं बता रहा, वो आपको खुद फिगर आउट करना है, अरे खुद तो कुछ कर लो भाई, सब कुछ मैं कराऊँ। यहाँ पर इसको फॉन्ट में रखता हूँ कुरियर न्यू 10 कर दिया, इसको मैंने बोल्ड कर दिया ताकि इस तरीके से आ जाए, राइट, अब ये 12 पेज का डॉक्यूमेंट मेरा तैयार हो गया, 12 पेज में आपके पास सब कुछ आ गया, और इसको भी मैं यहाँ पर बड़ा कर दूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 18 पे कर दिया, और इसको मैंने कर दिया बोल्ड। डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्राम यूजिंग सी, इस तरीके से मैंने कर दिया, इसको मैंने बीच में किया है नहीं किया जरूरत नहीं बीच में करने की, और मेरा वाटरमार्क आ ही रहा है, तो ये आपका हो गया तैयार। अरे दो बार रिटर्न जीरो आ गया, ये हटाऊं इसको मैं, मुझे इसमें से भी हटाना पड़ेगा, दो बार रिटर्न जीरो आ गया, ऑलरेडी रिटर्न जीरो कर दिया था, राइट, ठीक है। अब इसको मैं, अब देखिए अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे जाऊंगा शेयर, शेयर पे क्लिक कर रहा हूँ सीधा आप लोग के लिए, और रिस्ट्रिक्टेड ना करके मैं करूँगा एनिमल विद द लिंक, और ये व्यूअर के तौर पे आएगा, आई विल कॉपी दिस लिंक, और इसके बाद जैसे सीधा जाऊँगा bit.ly, bit.ly पे मेरा अकाउंट बना हुआ है, इसके ऊपर मैं अभी आप लोगों के लिए तैयार करता हूँ, मैं कहता हूँ क्रिएट न्यू लिंक, आप लोग को देखो सीखने को भी मिल रहा है, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ DSA T for yourself, मैं DSA_DC for yourself मैंने कर दिया,
और बाकी लिख देता हूँ द डी एस ए नोट्स, या मेंशन कर देता हूँ मैं, डी एस ए नोट्स आर अवेलेबल इन द ऐप, ऐप के कौन से सेक्शन में है, प्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में, स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट है स्टडी मटेरियल सेक्शन, ठीक है। और इसका लिंक भी अगर आपको चाहिए तो मैं मेंशन कर देता हूँ, bit.ly। ठीक है, बिटली वाले लिंक ज़्यादा बढ़िया रहते हैं, शॉर्ट लिंक हो जाते हैं, तो सी फॉर योर सेल्फ ऐप, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ मेंशन कर दिया है। इसको भी मैं अगर मैं एंड मार दूँ, ये लिंक में बना नहीं, HTTPS करना पड़ेगा तभी शायद लिंक बनेगा। अब बन गया ना, राइट। अब इसके आपका काम हो गया डन। अब ये आगे सरक गया भैया, बहुत सरक गया, पीछे आ जा, यस पीछे आ गया, राइट। तो डीएसए नोट्स का भी यहाँ मेंशन कर दिया मैंने, पूरे लिंक आपको मिल जाएगा सब चीज, और इस लिंक को भी मैंने क्रिएट कर दिया है, ये लिंक मेरा, अब इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अनटाइटल्ड के नाम से आ रहा है, अनटाइटल्ड नहीं आना चाहिए था, ये आना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर, ये आना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोग्राम्स इन सी, ठीक है, ओके ये आ गया। अब इसका क्यूआर कोड भी मैं जनरेट कर देता हूँ आप लोग के लिए, स्टाइल सेलेक्ट करनी हो तो कैसे भी है, कॉर्नर्स आपके कैसे भी हो, मैंने ऐसे कर दिया। तो इस तरीके से प्रीसेट कलर्स में अगर चाहूँ तो रेड ग्रीन ब्लू, चलो मैं रेड में करना पसंद कर देता हूँ। दूसरा कलर में अब मैं बैकग्राउंड कलर भी मैं सेट कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर करने को शायद नहीं कह रहा, ये वो है कर दिया, ऐसे सिंगल कलर ही दे सकता हूँ मैं। बाकी लोगो या टेक्स्ट लगाना है तो वो अपग्रेड करना पड़ेगा, वो सब मुझे नहीं करना है, बाकी इतना ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं सिंपल सा ही रख देता हूँ, ब्लैक ही रखता हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया क्रिएट योर कोड, दिस इज माई क्यू आर कोड गाइज। इसको आप देखो, इसको मैं अगेन प्लस कर देता हूँ, देखो अब आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो वीडियो देखोगे तब पता चलेगा भाई, सीधी सी बात है, आप बिटली का आ रहा है क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करो बिटली को, मैंने कोई प्रीमियम वर्जन नहीं ले रखा, तो यहाँ पे जाके आप इसको दे सकते हो। लिंक दे रखा है DSA_C4YOURSELF, इस पे आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसको देखिए कॉपी कर भी लेता हूँ और मैं जब वीडियो पोस्ट करूंगा तो उसके अंदर पे मेंशन कर भी दूंगा, डोंट वरी, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नोट्स के लिए और सबके लिए। तो इसी के साथ मैं वीडियो को मैं एंड करना चाह रहा हूँ, मैं अगेन वापस अपने उस पर आ जाता हूँ स्क्रीन पे और मैं अपने आप को अब दिखा देता हूँ। तो ये शॉर्ट था, बहुत ही छोटा वीडियो मैंने बनाया था कि ऑलरेडी आप ये कर चुके हो तो सब लिंक लिस्ट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट से बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो पढ़ना है पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए स्टैक लेकर आऊँगा, ठीक है। मेरे को चेक कर लेता हूँ मेरे पास डिक्शनरी बनी है मेरे पास, तो मैं उसमें क्या क्या लेके आ सकता हूँ उसके बाद। हाँ, इसके बाद मैं सीधा लेकर आऊँगा आपके लिए स्टैक लेकर आऊँगा, ठीक है। स्टैक है, फिर क्यू है, फिर ट्री है, फिर आप फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, हीप है, ग्राफ है, हैश टेबल है, सर्च टेक्निक्स हैं, सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं, तो इन सब को लेकर आना शुरू करूँगा धीरे धीरे। और सर्चिंग टेक्निक्स में बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च ट्री, जब ट्री का कॉन्सेप्ट आ जाएगा वो सब चीज़ें हैं। तो आप लोग मुझे कॉमेंट से बताते रहो, और मैं आप लोग को एक चीज और बता दूं कि मेरे इसमें अगर आप इस पे जाओगे अगेन तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ मेरे डाटा स्ट्रक्चर्स के वीडियोस का कैसा हाल चल रहा है। ये देखिए मैं आपको प्लेलिस्ट दिखा देता पूरी, ये वीडियो है, वीडियो है ना, इसका प्लेलिस्ट सेक्शन जो है मेरा, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। लेट मी टेल यू व्यूअर चैनल, कोई भी जैसे सपना। कोई भी सपना साकार करने के लिए चलिए सुनिए, चुनिए सी फॉर योरसेल्फ को, इसमें प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर आप जाओगे बच्चे तो ये आपको देखिए ये हेलो एंड वेलकम, नमस्कार, ठीक है। ये आपका प्लेलिस्ट है कंप्लीट, जिसको मैं अलग से दिखाता हूँ। आप इस प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप तो देख सकते हो, अगर लास्ट के कुछ देखो गया से 50 और 47 व्यूज पे आके अटक गया तो प्लीज यार ऐसा मत करो यार, क्या सिर्फ 50 बच्चे ही देख पा रहे हैं इसको, ये ज़्यादा इसको फैलाओगे नहीं, अपने तक सीमित रखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको एनालिटिक्स भी दिखा सकता हूँ इसकी कि कितने बच्चों ने एक्जैक्टली देखा है। मैं इसको स्टूडियो पे ले चलता हूँ आप लोगों को, मैं यूट्यूब स्टूडियो पे ले चलता हूँ, स्टूडियो से आपको मैं डायरेक्ट दिखाने का प्रयास करता हूँ कैसे हो रहा है। देखो उसके 49 व्यूज़ तो आ गए, अच्छा टॉप 10 चल रहा है, ये मेरा 954 हो गया, मेरा थोड़ा कम होता जा रहा है। मैं आपको सीधे एनालिटिक्स पे ले चलता हूँ,
तो एनालिटिक्स में अगर आपको मैं दिखाऊं तो कंप्लीट मुझे पूरा सब चीज दिखाता है और 350 रुपये बन रहे हैं मेरे गिनती के, समझ रहे हो, पैसा कमा नहीं रहा हूँ 350 रुपये, तो आएगा ही नहीं हूँ जब तक 8,000 या 8,200 रुपये नहीं बनेगा महीने का, तब तक वो यूट्यूब नहीं भेजेगा, $100 का थ्रेशहोल्ड होता है, तब तक नहीं भेजेगा मुझे वो। और अगर आप यहाँ देखोगे इन वीडियो से देखोगे यहाँ पर कितना कितना क्या हो रहा है, तो कंटेंट भी देख सकते हो, ऑडियंस देख सकते हो, ऑडियंस में आपको मैं दिखा देता हूँ, देखो 611 सब्सक्राइबर्स थोड़े कम हो रहे हैं, लास्ट वीक कम होने शुरू हुए, और आपको देखो अगेन मैं ये जो चीज़ है ये आपको दिखाना चाह रहा था 96% के करीब था, थोड़ा बड़ा है, लोगों ने सब्सक्राइब किया, लेकिन अभी 5% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया लास्ट 28 डेज में, ये पूरा मैं आपको सी मोर करके दिखा सकता हूँ। और ये कंप्लीट चार्ट है, देखो ये आपको दिखा रहा हूँ मैं कंप्लीट, ये शायद को दिखाता हूँ लाइफ टाइम अगर दिखाऊँ तो लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी आपको दिख जाएगा इतने टोटल में, तो नॉट सब्सक्राइब में लाइफ टाइम में मेरे पास है 97.9 पूरे अब तक, ओनली 2.1% हैव सब्सक्राइब पूरे लाइफ टाइम में आज तक, तो इतने व्यूज जो आपके आ रहे हैं, तो 1,32,000 व्यूज सिर्फ 2.1 सब्सक्राइब लोगों से आ रहे हैं, बाकी ज्यादातर व्यूज मेरे आ रहे हैं जो सब्सक्राइब किया ही नहीं है, तो यार तुम लोग आके वीडियो देख जाते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो ऐसा तो मत करो भाई, ठीक है। सो इसी के साथ मैं अब वापस इंट्रो पे आ जाता हूँ अपने, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा, वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ, धन्यवाद।